मेरा नाम रमेश जैन है, मैं 54 ईयर का हूँ। मेरा दिल्ली पुलिस में मैं जॉब करता हूँ, मेरे सिटिंग का ज़्यादा जॉब रहता है। और इसके बाद मैंने काफ़ी डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को गुजारा, लेकिन फिर भी मुझे जो है पाइल्स प्रॉब्लम्स हो गई। और मैं कम से कम जो है 20 साल तक इस सफ़र करता रहा इस पाइल्स प्रॉब्लम्स को लेकर के, और मैंने कोई ऐसा डॉक्टर कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा जो लोकल अखबार में आता था या कोई नेट पे आ जाता था या आयुर्वेदिक आ जाता था, होम्योपैथिक आ जाता था। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट ली है इसके लिए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। मैं सर्जरी से मैं डरता था, लोग बाग बोलते थे कि सर्जरी करा लो, सर्जरी से मैं बहुत डरता था कि सर्जरी के बाद सुनने में आता था कि भी सर्जरी भी दोबारा हो सकती, दोबारा भी आ सकता है, आता था मुझे बहुत ज़्यादा। कई बार ब्लड आया, 3-3 दिन आया, 5-5 दिन आया, 7-7 दिन आया ब्लड, फिर भी मैं सर्जरी से डरता रहा। कुछ दवाइयाँ ली, कुछ उससे ठीक हो जाता था। फिर मैं एक दिन एक कंटिन्यू 1 वीक तक मुझे ब्लड आया, फिर मुझे ये लगता था कि ये जो बीमारी है इसमें ज़्यादा भी कुछ बढ़ गया तो कैंसर तक हो सकता है। मैं बड़ा घबराया हुआ था। डॉक्टर आशीष भनोट का मैंने जो है संडे को एक दिन वो पढ़ा अखबार में, जब मैंने पढ़ा तो देखा कि ये जो विधि इनके पास है अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में, उसको देख करके मैं एक बार भी फिर भी डिसीजन नहीं ले पाया कि चलो अखबार में न्यूज़ में आता रहता है, सब जगह आता रहता है, फिर भी मेरे को नहीं हुआ। मैं हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मुझे CGHS भी है, मोदी हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल और काफ़ी हॉस्पिटलों में विजिट किया, दिखाया भी डॉक्टर को, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कहीं भी। कभी घबराता था क्या होता था क्या। डॉक्टर आशीष भनोट के पास भी मैं दो साल पहले आया। डॉक्टर साहब ने मुझे एडवाइस किया कि ये सर्जरी आप करा लोगे बेटर है। फिर मैं चला गया, सर्जरी का टाइम भी ले लिया मैंने। सर्जरी का टाइम ले गया, अगले मंडे को मेरे को सर्जरी की भी होनी थी, मैं आ नहीं पाया, मैं घबराता रहा। डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन ही नहीं किया डॉक्टर साहब को तो चलो कोई नहीं भाई, पेशेंट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। फिर मैं लगातार फिर वही सफ़र करता रहा, दवाइयाँ लेता रहा, पता नहीं क्या नहीं लिया, कोई कैप्सूल लिया, कहीं मद्रास से मंगवाया, कहीं कहीं से मंगवाया, लेकिन नहीं ठीक हुआ। एक दिन मेरे बच्चे मुझे लेकर के यहाँ पर आ गए सुबह सुबह, मैं हालांकि मुझे ड्यूटी जाना था, मैं बच्चों को बोल रहा था, लेकिन बच्चे आ गए मुझे लेकर। मैं बच्चों को अपने को धन्यवाद देता हूँ, अपनी वाइफ को धन्यवाद देता हूँ, अपने बेटे को धन्यवाद देता हूँ, वो मुझे लेके आए, मेरा मोबाइल छीन लिया। डॉक्टर आशीष से बात की, डॉक्टर आशीष से मैंने बात की, डॉक्टर आशीष कहने लगे ठीक है आपकी मर्जी, आप करवाओ नहीं करवाओ। लेकिन मैंने उस दिन हिम्मत करके अपनी सर्जरी करा करके मेरा कुछ मुझे पता नहीं चला सर्जरी कैसी होगी। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे पता है मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं कोई काम कर रहा हूँ मुझे पता है काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सर्जरी हुई तो मुझे नहीं पता था मेरी सर्जरी हो गई। उसके बाद फिर मैं दो दिन के करीब मैं हॉस्पिटल में रहा और फिर घर आया तो कुछ ठीक हुआ, मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। और 1 वीक में मतलब मैं हालांकि मैं चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ा मेडिकल कर लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेरा अंदर से मन ही नहीं हुआ कि मैं रेस्ट कर लूँ, मेडिकल ले लूँ या कुछ कर लूँ। फिर भी मैं अपना ड्यूटी चला गया, ड्यूटी जाने के बाद मैं नॉर्मल हो गया। वो मैं इतना महसूस हुआ, इतना रिलैक्स हुआ, मैं इतना घबराया था, साइकोलॉजी मेरी इतनी बन गई थी तुझे कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई स्किन मेरे को बाहर आती थी, मेरे को स्किन बाहर आती थी, 3-4 मुझे दाने थे, मोटे मोटे दाने थे, कभी वो भर जाते थे कभी निकल जाते थे। और मैं हाथ से उनको अंदर करता था, जब मैं टॉयलेट पास जाता था तो बाहर आ जाते थे वो, जब मैं उसको हाथ से अंदर करता था तो वो हाथ से अंदर जाते थे, फिर कभी जैसे चलते चलते बाहर निकल जाते थे, बॉल्स जो हैं बाहर निकल जाते थे, फिर मैं अंदर करता था, मुझे बड़ा पेन होता था, ब्लड जाता था, मैं किसी को बताता नहीं था, कुर्सी चेयर पर नहीं बैठ पाता था, लेट जाता था। तो मतलब कई बार जैसे मैं मान लो यूरिन भी जा रहा हूँ तो जब भी वो बाहर आ जाते थे, जरा सा कुछ स्ट्रेस हुआ या मतलब बैठ गया तो बाहर आ जाते थे। तो मैं उनको अपने किसी कोने में जा करके अपने उसको किसी तरह से उसको अंदर करता था। वो आज बिल्कुल ठीक है, आज उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब भगवान ने मुझे, डॉक्टर आशीष भनोट ने जो मुझे ट्रीटमेंट दिया, मुझे एक भगवान के रूप में उन्होंने ये ट्रीटमेंट दिया। और मैं तो सबको यही सजेशन दूंगा और एडवाइस भी करूंगा कि इस बीमारी से ना डरें, ना घबराएं,
किसी चीज का कोई ऐसी नहीं है, सर्जरी कोई बड़ी चीज नहीं है, सर्जरी आप कराएं और सर्जरी कराने के बाद आपका देखो कितना जीवन लाइफ में और जो साइकोलॉजी सारी हट जाएगी, और मतलब जो आप घबराते हैं कैंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सर्जरी को ऐड वो ना करें, लिंगरोन नहीं करें। मैंने ये लगाओ कि 10-20 साल से लिंगरोन करता आया, लिंगरोन नहीं करने, मैं तो प्रैक्टिकली किया, मैं इतना मेरे से ज्यादा शायद घबराने वाला कोई होगा भी नहीं सर्जरी के लिए, लेकिन मैं तो मतलब जो मेरे को प्रॉब्लम थी ब्लड आ जाता था, कटोरी भर भर के ब्लड आ जाता था, उस ब्लड को रोकने के लिए मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता था, बस ब्लड आया ठीक है अपने नहा लिया धो लिया या चले गए और ब्लड आ गया चले गए, थोड़े दिन में कुछ गोलियां ली ठीक हो गया फिर आ गया, कंटिन्यूस टेंशन रहती थी ब्लड आ गया, इंटरनल टेंशन रहती थी कि ब्लड आ गया और बताते नहीं थे किसी को, और ये था कि ब्लड 1 वीक आया 2 वीक आया या मतलब बीच बीच में आ गया ब्लड खत्म हो गया तो हम टेंशन मतलब ये समझते थे कि ठीक हो गया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती थी, वो बीमारी तो वो अंदर अंदर और बढ़ जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये मैंने ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया और मेरा तो अपना डॉक्टर साहब ने मेरी लाइफ को जो है ना ऐसा बढ़िया बना दिया है कि ये जो अब मेरे को कोई हाथ नहीं लगाना पड़ता, कहीं अंदर नहीं करना पड़ता, कोई अपना सर्जरी होने के बाद आई एम वेरी हैप्पी।